मैम आर यू श्योर मेरी जॉब लग गई है? यस मिस्टर बाबा, और आपका काफी ही 1 लाख पर एनम का लगा है। वाह थैंक यू, पर मैम मेरा तो सिर्फ एक ही राउंड इंटरव्यू हुआ है, और किसी के साथ इंटरव्यू नहीं होगा क्या? नहीं मिस्टर बाबा, एक्चुअली कंपनी को अर्जेंट बेसिस पे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इसलिए एक ही राउंड में सारे भोपाल शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। ओके अच्छा मैम प्लीज आप 1 मिनट होल्ड करेंगी मेरे को, जरा 2 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए मेरे को काम है कुछ। मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे बेसिकली बहुत सारे मैसेजेज आए अबाउट दिस जॉब स्कैम गोइंग ऑन, कि कैसे जॉब कंसल्टेंट्स लोगों को फंसाते हैं ये बोल के कि आपकी कंपनीज में जॉब लगवा लेंगे और उनसे पैसे लेते हैं, पर ऐसी कोई जॉब्स होती नहीं है। सो समवन जो इस फ्रॉड में फंसा था उसने इस जॉब कंसल्टेंट का नंबर दिया और मैंने इनको फ़ोन करके जॉब मांगी और इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी अरेंज करवा दिया किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर से फॉर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब, और मैं एक ही राउंड में सिलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट सेल्स, बट आई गॉट द जॉब। सो अब नाउ लेट्स सी कि वो कैसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, और क्या बोल के पैसे मांगेंगे। सो लेट्स सी। या मैम आई एम रियली सॉरी, वो मैं अपनी फैमिली को खुशखबरी देने गया था। अच्छा तो मैम तो अपने पेपर्स वगैरह कहाँ लेके आऊँ? आई मीन जिस कंपनी में जॉब लगी है उस ऑफिस का एड्रेस तो दे दीजिए। वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, पर ऑफर लेटर देने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। ओके कैसी फॉर्मेलिटीज? आपको ना ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 5,000 रुपीज है। 5,000 मुझे देने होंगे पर किस बात के? रजिस्ट्रेशन फीस है, और ये हर कंसल्टेंट कंपनी लेती है, और आपको जॉब भी तो 1 लाख पर एनम का लगा है। पर मैम जॉब लगने के पैसे कौन देता है, और कंसल्टेंट्स को तो कंपनी पैसे देती है, राइट? आई अंडरस्टैंड मिस्टर गाबा, पर देखिए आपको ये पैसे तो डिपॉजिट करवाने ही पड़ेंगे अगर जॉब लेनी है तो, वरना जॉब मिलना मुश्किल है। जॉब मिलना मुश्किल है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉब तो पता नहीं मुझे कैसे मिला, क्योंकि मुझे सेल्स का आइडिया नहीं है, और मुझे पता है आप अभी क्या करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांग रहे हैं, फिर आईडी कार्ड के पैसे मांगोगे, ठीक है, फिर वो बंदा पैसे देगा तो किसी और के पैसे, फिर किसी और के पैसे, और कोई भला इंसान जॉब के चक्कर में पैसे देता भी जाएगा। आपकी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब हमने लगवाई है। अरे मैडम थोड़ा शर्म करो, इतना झूठ बोल रहे हो। मुझे उस इंसान ने नंबर दिया जिसके यहाँ फ्रॉड हुआ है, मुझे सब पता है। आप जैसे फ्रॉड लोग जॉब का झांसा दे के ना पैसे मांगते हो, अरे थोड़ी तो शर्म करो। लोगों की अभी मॉनिटरी पोजीशन ठीक नहीं है और आप उन्हें लूट रहे हैं, मतलब कमीनेबन की हद होती है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज एक लेडी के साथ, बट आपका नंबर तो पुलिस के पास जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जाओ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं कुछ भी, आई नो इन दिस पेंडेमिक बहुत लोगों की जॉब नहीं है और वो ईगली जॉब ढूंढ रहे हैं, बट जॉब ढूंढने के चक्कर में फंसिए मत। कोई भी कंसल्टेंट कोई भी कंपनी जॉब देने के पैसे नहीं लेती है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप पहले पैसे दीजिए फिर आपकी जॉब लगेगी, इट मीन्स इट्स अ स्कैम, मत फंसना। बहुत लोग फंसे हैं स्कैम में, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि वो जॉब के चक्कर में बहुत पैसे दे चुके हैं और वो फिर पैसा मांगते रहते हैं, कोई जॉब नहीं होती है, ये एक स्कैम है। प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसिए। आई अंडरस्टैंड लोग ईगरनेस के चक्कर में जॉब के लिए सोचते हैं कि चलो पैसे दे देते, क्या पता जॉब लग जाए, बट जॉब भी नहीं मिलेगी और पैसा भी चले जाएगा। ये जॉब कंसल्टेंट्स के नाम पे इंटरव्यूज कराते हैं जो इन्हीं के लोग होते हैं, और कोई कंपनी ऐसी होती नहीं है। और ये कोई अगर आप इनसे बोलेंगे भी कि आपको ऑफिस का हम आके मिलना चाहते हैं, तो ये बोलेंगे कि हम इस पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस हमारा बंद है। सो प्लीज़ 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 डोंट फॉल इन टू दिस स्कैम, बिकॉज योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड। सो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसिएगा। ओके आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।